नहीं बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं जिन पे भ्रष्टाचार के पहले आरोप थे, जिन पे ईडी सीबीआई की इनकम टैक्स की नोटिस थी, कुछ लोग तो ऐसे थे जो जेल में थे, ढाई ढाई साल जेल रहे और निकल के आए और जब बीजेपी की तरफ आ गए तो उनको मंत्री बना दिया। नहीं सर, ऐसा तो मुझे नहीं दिखता है। आप दो तीन नाम बताइए तो फिर मैं बताता हूँ ऐसा कौन हुआ है कि जो जेल में हो और बाहर आया उसको क्लीन चिट मिला हो। जो भी हुआ है कानून के दायरे में रह के हुआ है। आप अजीत पवार के बारे में जानते हैं? अजीत पवार बिल्कुल, महाराष्ट्र में शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार। केस था उन पे? हाँ, उनका केस स्पेसिफिक नहीं पता है कि क्या केस उन पे चल रहा था। छगन भुजबल का नाम सुना है? नहीं सर, इससे रिलेटेड नहीं पता। प्रफुल्ल पटेल का नाम सुना है? नहीं सर, अब आप फंसा रहे हैं। ठीक है, नहीं सुना, इनका नाम नहीं सुना। हसन मुशरफ का नाम सुना है? नहीं। हेमंत बिश्वा का नाम सुना है? हेमंत बिश्वा वो असम वाले? हाँ, वो पार्टी चेंज करके आए थे, अभी मुख्यमंत्री। जब वो कांग्रेस में थे तो उनके ऊपर क्या आरोप लगाया था बीजेपी ने और खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने, आपने सुना है? नहीं, वो आरोप नहीं पता मुझे। एक ही तरफ वाला पता है? हाँ। देखिए।